नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच अशोक गुप्ता सर है। सर आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। देखिए, आप सब सोच रहे थे कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है, तो आपके लिए हम ऐसी वीडियोस लाए हैं। आप हमारे कमेंट में जाके चेक कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं किस टाइप की आपको चाहिए। और अशोक सर आए हैं। सर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो करते ही, आपका 65 करोड़ का इम्पोर्ट भी है, और साथ में आप ये बताइए, जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कोई फ्रॉड होता है और इंडिया में कोई फ्रॉड होता है, स्पेशली स्क्रैप से रिलेटेड? देखिए आप तो बहुत सारे प्रोडक्ट करते हैं, बट स्क्रैप से रिलेटेड कौन कौन से टाइप के इंडिया में फ्रॉड होते हैं और बाहर कौन कौन से टाइप के फ्रॉड होते हैं, इसको थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे डीप में बताइए, ताकि हमारी जो लोग हैं बहुत सारे घाटे खा रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास माल आया, वो चले जाते हैं, वो किडनैप भी हो जाते हैं, वो तो टॉपिक बाद में कवर करेंगे, बट फ्रॉड का हम पहले टॉपिक कवर करते हैं सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा राहुल जी आपने, बहुत, क्योंकि अगर फ्रॉड नहीं सीखेंगे तो कमाना दूर, हम खो देंगे अपना। बिल्कुल, तो कुछ भी कमाए ना कमाए, हम काम करें ना करें, फ्रॉड कहाँ हो सकता है ये हमें पता ये पता होना चाहिए। बिल्कुल, तो सबसे बड़ा फ्रॉड ये होता है कि हम बिना किसी पार्टी को जाने उससे काम करने लग जाते हैं और उस पर अनड्यू विश्वास कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं। तो फ्रॉड दो ही चीजों से हो सकता है, या तो हम पेमेंट उसको एडवांस दे देते हैं, या उसके साथ हम उलझ जाते हैं। 10% उसने माल भेजा, हमने भेजा, बाकी की आपको नॉलेज नहीं होने से वो हमारी कम नॉलेज का फायदा उठाता है, उसको फ्रॉड कह सकते हैं कि वो आपकी कम नॉलेज का फायदा उठाना। दूसरा, प्रोडक्ट में आपको पता नहीं है प्रोडक्ट कैसे चेक करना है। बिल्कुल, काफी क्या चीजें चेक करनी है, काफी बार देखते भी हैं कि कॉपर के अंदर मिलावट आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये उसको चेक करना आना चाहिए, किस स्टेज पे चेक करना है, कैसे चेक करना है, जिससे उसको मौका ना मिले। और विदेशों में पार्टीज हैं, चाहे वो स्क्रैप की हैं चाहे कोई हैं, आपको चेक करना आना चाहिए कि यहाँ बैठे बैठे भी चेक कर सके और वहाँ जाकर भी चेक कर सके। और तीसरी सबसे बड़ा फ्रॉड जो होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में नॉलेज नहीं है। बिल्कुल, यहाँ तक होता है कि नकली डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, आपने असली पैसा दिया और नकली डॉक्यूमेंट मिल गया, आप खुश हो गए सर। बट यहाँ पे ऐसा भी होता है, कांटा पेमेंट लोग बात करते हैं, लोकल बिजनेस की बात मैं कर रहा हूँ, कांटा पेमेंट लोग बात करते हैं कि कांटे पे पैसे दूंगा, उसके बाद भी फ्रॉड हो जाता है। हाँ, हो सकता है सर। बिल्कुल हो जाता है। आपको अभी कांटा पेमेंट कर दी, लेकिन उसमें वो अगर आपने चेकिंग की है, वो उसकी क्वालिटी का फ्रॉड तो हो ही सकता है, सारा माल भी चेक नहीं होता एक साथ, क्वांटिटी का भी हो सकता है, कांटे वाला सही है कि नहीं, वो भी हो सकता है, कांटे का भी फ्रॉड चलता है। बिल्कुल, और बहुत से हैं, और किसी दूसरे का माल उसने लोड करा दिया, आगे आपको पकड़वा दिया, ऐसा भी चोरी का माल होता है। बिल्कुल, तो फ्रॉड की कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैं कहूंगा कि जो लोग आपके ऐप से जुड़ते हैं वो आपसे काम करने से पहले पूछे सीखे कि इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं हो सकता। और सर मार्केट की हमने टेंडेंसी को देखते हुए हम अपने डीलर भी बना रहे हैं, जैसे कोई मुंबई में माल खरीदना चाहता है ऑनलाइन, तो जो भी हमारे पास मटेरियल आता है मुंबई का, हम पर्टिकुलर उसको भी दे देते हैं। तो इससे भी हम क्या करते हैं, एक लाइफ चेंजिंग, लोगों का जो स्क्रैप बिजनेस का तरीका है काम करने का, वो हम पूरा चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल, और चेंज करने का क्या बेनिफिट होता है कि लोग बाग को हैंड टू हैंड माल मिलता है और हैंड टू हैंड सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती है, वो चाहे लाइव रेट हो, मुंबई के आपको लेने हो मुंबई के मिलेंगे, आपको गोवा के लेने हो गोवा के मिलेंगे, आपको कहीं के भी रेट चाहिए मिलेंगे, आप डीलर बनेंगे अगर आपको माल चाहिए कहीं का भी तो वो भी आपको मिलेगा, स्क्रैप में कुछ भी हो। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय हिंद।